गाइस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लूप्स आप लोग पीएचपी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमने पीएचपी के अंदर लूप्स का बेसिक यूसेज देखा था कि लूप्स क्यों यूज़ करें, और लूप्स यूज़ करने का हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी देखा था। गाइस, मेरा यहाँ पर जो जैम्प है वो ऑलरेडी चालू है। चालू का मतलब होता है स्टार्टेड है। यहाँ पर जो मेरी ये प्रोसेस है वो रनिंग है। अपाचे सर्वर मैंने अपना स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं एक नया पीएचपी फाइल बनाने वाला हूँ, एक नई, और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर फॉर लूप्स। ठीक है, और मैं यहाँ पर आप लोग को इस वीडियो में फॉर लूप्स के बारे में बताऊँगा। तो फॉर लूप्स क्या होते हैं? जिस तरह हमने वाइल लूप्स देखे, उसी तरह हमारे पास फॉर लूप्स भी होते हैं। तो फॉर लूप्स बेसिकली वाइल लूप जैसे लूप्स लिखने का एक दूसरा तरीका है। तो ये बस सिंटैक्टिकली अलग होते हैं और एग्जीक्यूशन टाइम ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है। तो अगर मान लो कोई मुझसे बोले कि आप 0 से लेके या फिर 1 से लेके 5 तक फॉर लूप की मदद से सेम चीज़ को करो, तो मेरी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले तो जो पीएचपी का ये ओपनिंग क्लोजिंग है इसको कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको दिस इज़ फॉर लूप इन एक्शन, और brb लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये अपना इंडेक्स ऑफ करके बनाया हुआ है, मुझे जहाँ पर सारी फाइल्स दिखती हैं वहाँ पर मैं फॉर लूप्स को वो जो फाइल मैंने बनाई है फॉर लूप्स डॉट php उसको खोला, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है दिस इज़ फॉर लूप इन एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे पता चल गया कि जो फॉर लूप वाली मेरी फाइल है वो चल रही है। तो ये मैं टेस्टिंग के लिए कभी कभी जो है लिख लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने वाइल लूप का इस्तेमाल किया था 1 से लेके 5 तक प्रिंट करने के लिए, अगर मुझे ये चीज़ फॉर लूप से करनी पड़ी तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप से करने के लिए मैं लिखूँगा फॉर, और अगर मैं फॉर लिखकर यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह से करूँ तो देखो इसने मुझे एक स्निपेट दे दिया है। VS कोड ने मुझे ऑलरेडी एक स्निपेट दे दिया है और मेरा काम आसान बना दिया है। मैं वापस से आपको करके दिखाता हूँ इसको। आप फॉर लिखेंगे और ये जो यहाँ पर फॉर लूप लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखो इसने ऑलरेडी ये मुझे बता दिया। अब मान लो मैं आई ना लिखकर इसका नाम इंडेक्स रखना चाहता हूँ, तो बैकस्पेस दबा के मैं इंडेक्स इसका नाम जो है रख सकता हूँ। तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं अपने वेरिएबल का वो दे देना, फिर टैब दबाना। आप लोग टैब दबाओगे तो आप सीधा यहाँ पर आओगे कि आपका पहला जो आप इनिशियलाइज़ किससे करना चाहते हो अपनी इंडेक्स को, फिर से टैब दबाओगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे, यानी कि आप यहाँ पर क्या रखना चाहते हो। मान लो मैं 5 रखना चाहता हूँ यहाँ पर, वापस से आप टैब दबाओगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एको और लिख दूंगा यहाँ पर द नंबर इज़ डॉलर इंडेक्स। ठीक है, और ऑब्वियसली brb मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर अगर मैं नई लाइन में चाहता हूँ। और मैं ये करके जैसे ही रन करूँगा इसको, यानी कि रिलोड करूँगा, तो देखो 0 1 2 3 4 मुझे यहाँ पर मिल गया है। अगर मैं इसको 1 कर दूँ और इसको 6 कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 1 से लेके 5 तक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर एक सवाल आपका ये होगा कि ये चला कैसे, मतलब कि ये हुआ क्या यहाँ पर। जब हमने पीएचपी के अंदर फॉर लूप्स को देखा तो फॉर लूप ने बेसिकली किया क्या, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले जब आपका फॉर लूप चलता है तो ये क्या करेगा। सबसे पहले आपने जो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया है वो सबसे पहले होगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इंडेक्स वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। और ऐसा सिर्फ एक बार होगा, पहली बार जब फॉर लूप चलेगा तब होगा। जैसे ही आपने इनिशियलाइज़ किया ये इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या इंडेक्स लेस देन 6 है, ऑब्वियसली यस दैट्स ट्रू है, तो ये क्या करेगा इसको रन कर देगा। और उसके बाद आएगा यहाँ पर और ये होती है कंडीशन। तो मैं अगर यहाँ पर एक कमेंट लिखूँ इसके बाद, तो मैं लिखूँगा फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा कंडीशन और लिखूँगा यहाँ पर सेमीकोलन अपडेशन। ठीक है, और मैं ऑब्वियसली इसको कंट्रोल स्लैश करके कमेंट आउट कर दूंगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कोड। मैं इसको एग्जीक्यूट होते हुए नहीं देखना चाहता वरना मुझे एरर मिलेगा। तो ये एक बार रन होगा यानी कि इनिशियलाइज होगा एक बार, उसके बाद आपने ये कंडीशन को बार बार चेक करना है जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। और ये जो है हर लूप की कोड एग्जीक्यूशन के बाद ये चीज़ रन होगी यहाँ पर जो भी है, और इसे अपडेशन बोलते हैं। तो डॉलर इंडेक्स की वैल्यू पहले 1 थी, ये कंडीशन चेक हुई ये ट्रू थी, तो ये जिसके अंदर जो भी कोड है उसको इसने रन किया, फिर ये आएगा यहाँ पर यानी कि अपडेट कर देगा। अब इंडेक्स की वैल्यू 2 हो चुकी है, फिर चेक करेगा इसको, ये अभी भी ट्रू है तो इसको रन कर देगा, फिर इसको रन करेगा, इंडेक्स की वैल्यू अब 3 हो चुकी है, और इसी तरह ये चलता रहेगा। और एक टाइम पर इंडेक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी जबकि ये फॉल्स हो जाएगा और ये रन नहीं करेगा, सीधे लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एको फॉर लूप हैज एंडेड, तो आप लोग यहाँ पर देखो फॉर लूप हैज एंडेड भी यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो
बेसिकली ये जो फॉर लूप का सिंटैक्स है ये बहुत ही वाइल लूप से सिमिलर है, सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है बट जो फंक्शनैलिटी है वो सिमिलर है। सो फंक्शनैलिटी सिमिलर है, सिंटैक्स जो है वो अलग है। तो कौन सा सिंटैक्स आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन आप वाइल लूप से जो अचीव कर सकते हैं वो फॉर लूप से भी कर पाएंगे और फॉर लूप वाला वाइल लूप से भी कर पाएंगे, कन्वीनियंस की बात है कि कौन सा आप लोग यूज़ करें। ठीक है, सो यहाँ पर लूप्स हमारे जो थे वो वाइल और फॉर हम लोगों ने देखे। फॉर लूप का अगर आपको एक और एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ पर आऊँगा वापस से और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर आई और मैं स्निपेट का यूज़ करता हूँ फॉर लिखूँगा और इसको इस तरह से कर दूँगा, टैब दबाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा आई इज़ लेस देन 87। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा और आई को मैं इंक्रीमेंट ना करके अगर मैं कुछ ना करूँ यहाँ पर इसको खाली छोड़ दूँ तो क्या होगा ये देख लेते हैं एक बार। और मैं अगर यहाँ पर एको डॉलर आई करूँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली कुछ इंक्रीमेंट नहीं किया और ये कंडीशन हमेशा जो है वो ट्रू रहेगी। तो क्या ये एक इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा ये देखते हैं। और यहाँ पर देखो ये एक इन्फाइनाइट लूप में चला गया और ये 0000 प्रिंट करता जा रहा है और मेरा पेज जो है वो हैंग हो चुका है और मुझे इस टैब को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये है इन्फाइनाइट लूप में मेरा जो PHP है वो चली गई है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो PHP था वो इन्फाइनाइट लूप में चला गया और वो 0000000 भेजे जा रहा है। तो ये एक मैंने आपको सिंटेक्स एरर का एग्जांपल दिया जहाँ पर आप लोग जो है लूप्स के साथ गलती कर सकते हैं और आपका जो लूप है वो इन्फाइनाइट कंडीशन में चला जाए, बार बार चलता रहे, यानी कि वो कभी टर्मिनेट ना हो। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपके प्रोग्राम्स जो है वो बगी बनेंगे PHP के और आपकी वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करेगी। तो आप लोगों को ये चीज़ को अवॉइड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अवॉइड रनिंग इंटू इनफाइनाइट लूप्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये आप लोगों की रेफरेंस के लिए लिख दिया। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको फॉर लूप पे समझ में आ गया होगा। अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप्स को और फॉर ईच लूप्स को और ये दोनों लूप्स क्या करते हैं ये आप लोगों को पता चलने वाला है। सो अगर आप लोगों ने ये PHP की प्लेलिस्ट मेरी अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लेना ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस कोर्स को सीक्वेंस पे करने के लिए। काफ़ी लोग आते हैं बीच में वीडियोज़ के कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि आपने बीच से बताया, आपने वेरिएबल्स नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो ये प्लेलिस्ट है इसमें मैंने सब कुछ अपडेट कर दिया है। तो मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप लोग इसको जो है एक्सेस कर लें या क्लिक करके बुक मार्क करें और या क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और उससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और वीडियोज़ जो है ला पाता हूँ। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।